हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं किरण जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपने एक नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। ब्लॉग की स्टार्टिंग में करी हूँ मॉर्निंग के 9 बजे से, और अभी ना घर का काम चल रहा है, अभी घर का कोई भी काम नहीं हुआ है और मिस्टर हस्बैंड लगे हुए हैं काम में। आज संडे है तो खेत की खुदाई करने में लगे हुए हैं। और मिंटू पिंटू भी यहाँ पर आ रखे हैं। ये पिंटू, मिंटू कहाँ गई, इसके अंदर भाग गई। और ये है मिंटू, अंदर नहीं जाने, बाहर आओ। तो यहाँ पर खेत ना इसीलिए खोदा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी लगी थी सब्जी, हमारी सब्जी नहीं लगी थी, उसके लिए यहाँ पर खेत खोदना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने यहाँ से लेकर वहाँ तक का। कुछ बोलना चाहेंगे आप? ओ वो बोलने खाली है। कैसा लग रहा है खेत खोदते हुए, इतना काम करते हुए? करते नहीं हो ऐसे इतना काम कभी? बहुत टफ काम है। अच्छा हुआ मैंने पढ़ाई कर ली, ये देखो वरना यही करना पड़ता। हाँ ये देखो सांप, ये मेरे पैर के नीचे, ये देखो सांप नहीं है, ये मेरे पैर के नीचे से वो कर रहा था यार ये। और मिंटू को भी देखो लगी हुई है इनके साथ, जहाँ कोई जा रहे हैं वहाँ को चले जा रही है बिल्कुल। और ये आज ना गर्म कंबल जो है वो भी निकाल दिए क्योंकि ठंडा होने लग गया है, तो अब नॉर्मल जो कंबल उससे काम नहीं चल रहा है। और मौसम ना ऐसा हो रहा है, अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो इस ठंडी हवा में काम हो जाएगा। मैं भी जाती हूँ अंदर को और मैं काम करती हूँ अंदर का, झाड़ू पोछा नाश्ता वगैरह, उसके बाद मैं आऊँगी खेत में को। ओके तब तक आप करो ठीक है, ये इतना पूरा खुद जाना चाहिए ठीक है। कहाँ तक खोद दोगे बताओ, पूरा कर दोगे? अरे ये मैंने यहाँ कल साफ किया था, ये देखो उधर को, वो देखो उतना तो खोदा है वो। अच्छा देखते हैं फिर, चलो खोद दिया आपने पूरा खेत। भूख लग गई, खाना तो बनाया नहीं अभी, तो अभी इन्होंने ना इतना ही खोदा है, वैसे बहुत है। भूखे पेट आदमी और कितना खोदेगा, हाय इतना गुस्सा आ रहा है। लेबर को भी कम से कम चाय नाश्ता दे जाता है, फिर उसके बाद काम। भाई सुबह सुबह 8 बजे चाय नाश्ता रोटी बिस्किट क्या क्या खाया आपने, भूल गए हैं? एक बिस्किट से क्या होता है, 5 रुपए वाले। ओ, मिंटू पिंटू गए, ये इन दोनों के मजा आ रखे हैं, आज इनको बाहर आने को मौका मिला है ना तो खेलने में लगे हुए बहुत ज्यादा। मिंटू अंदर आ रही है? हाँ। तो अब यहाँ पे मम्मी भी आ गई है, प्रणाम। हाँ तो मम्मी आ गई है और यहाँ पर मिंटू के लिए दूध लाई हूँ और साथ में ये संतरे भी आ रखे हैं, ये जो नाना जी लेकर आए थे, कल आए थे बल और कल ही चले गए। सुंदर है ना वो पिंटू, कहाँ गया? ये है देखो, देखा खिला पिला के इतना मस्त बनाया मैंने उन्हें। झाड़ू पोछा ना मेरा हो चुका है और अभी मैंने ये कपड़े भी धो लिए हैं, तो कपड़ों को अभी मैं डालकर आती हूँ छत में। उससे पहले, कपड़े धोने से पहले ना, मैंने यहाँ पर कुछ गेहूं है इनको धूप में डाल दिया है। मेरे साथ ना एक स्कैम हो गया है, ये रुपए ना सारे के सारे भीग गए हैं और मिस्टर हस्बैंड को पता भी नहीं है। अगर उन्हें पता लगेगा तो पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे, मैं आपको ना ज़रूर दिखाऊंगी उनका रिएक्शन कैसा रहता है। वैसे मैंने जेब चेक तो करी थी कपड़े धोने से पहले, बट ये पता नहीं पीछे वाली जेब में थे जो मैं चेक करना भूल गई थी। और ये मैंने डाल दिए हैं धूप में सूखने के लिए, ताकि जल्दी से सूख जाए और ठीक हो जाए। ये है तुम्हारे रुपये, ये धुल गए। पता है मुझे पता नहीं था पीछे वाली पैंट की जेब में थी, ये सुखाने के लिए रखे थे ना ये। तो फिर आपका कैसा रिएक्शन है गाइस, आपने इनका रिएक्शन देख लिया? ज्यादा गुस्सा नहीं आया अभी हैं? तो कर दी चेक कर लिया मैंने जेब में। अरे मैंने दो जेब तो चेक करी थी, पीछे वाली मेरे को पता नहीं था पैंट में कि पीछे की जेब भी होती है करके तो मैंने उसमें देखा ही नहीं। अभी जब मैं धो रही हूँ तो मोटा मोटा लग रहा है, मैं कह रही हूँ क्या है, सूख भी गए इतनी जल्दी ये? दुखे नहीं इतने ही थे। हाँ पक्का कम लग रहा है। अच्छा एक तो मैं बता रही हूँ ईमानदारी के साथ वो भी। हाँ नहीं तो ये मिंटू की हरकत है देखो। और मम्मी ना आते ही हमारी हेल्प करने, मम्मी थोड़ी सी देर ही बैठी और उसके बाद काम करने में लग गई है हमारे साथ, तो अब हमारा काम ना थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, इजी हो जाएगा काम करना। जब तक मम्मी लोग काम कर रहे हैं ना, मैं अभी खाना वाना बना देती हूँ। खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं भी बाहर को जाऊँगी, थोड़ा सा काम कर लूँगी। और अभी ना मेरे देवर जी भी आने वाले हैं, तो वो भी बोल रहे थे कि खाना वाना बना के रखना, तो फटाफट खाना वाना बना देती हूँ। हाँ। खुश रहो।
पहुंच गए फिर आप? कैसे लग रहे हैं? स्टार्ट हो जाओ फिर काम में अपने, पीछे जाकर मेरे लिए भी कपड़े चेंज करो और पीछे खेत में जाओ सीधे। तो ये चाय बन चुकी है देवर जी तो के लिए। हाँ मैंने और एक है मिस्टर हस्बैंड के लिए और ये देख कर आएंगे साथ में। अभी चलती हूँ बाहर को। चलो तो ये चले गए हैं चाय देने के लिए, साथ में ना मैं भी आ गई हूँ। और भाई इन्होंने तो सारा कर दिया। मम्मी सब्जी बहुत ही क्या यहाँ पे, और इनका प्रणाम भी हो गया है यहाँ पर। तो आज तो इनकी आफत आ गई होगी है, पसीने छूट रहे ओ वेरी गुड। भूखे पेट तो मुझे खाना खा रखा है इन्होंने, पता है चाय के साथ रोटी और बिस्किट 8 बजे हो भी। मिंटू बेचारी भी धूप में तुम लोगों के साथ लगी हुई है और पिंटू यहाँ पर है छाया में देखना। तो चलो मैं भी करती हूँ कुछ काम। क्या करना है मेरे को बताओ। तो सब्जी में हम लगाएंगे यहाँ पर लहसुन। क्या खाली छिक्कल निकाल देना है उसका? अच्छा ठीक है। सांस कैसे लेगा, मुंह दबा दे रहे हो आप तो। सबूत। यह है जीन्स वाली लेबर, भीमताल से बुलाई गई है। इनकी दिहाड़ी थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन काम भी इनका अच्छा रहता है। और यहाँ पे ना हमारा लहसुन भी लग चुका है ये। बाकी इस साइड को लगाएंगे हम धनिया, मूली, पालक और ये जो भी है पता नहीं क्या क्या। तो ये है मूली का बीज और यहाँ पर मेड़ में हम लगाएंगे मूली। हम लगाएंगे मूली। तो हमारी सब्जी ना ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। इधर धनिया लगा दिया, इधर गाजर, इधर मूली, इधर पालक और क्या था उधर लहसुन। और आज ये खोदने में लगे पड़े हैं, लग रहे हैं आज पूरा का पूरा खेत ही खोद देंगे। हैं आज खोद दोगे? अभी धूप है ना, शक्ति आ रही है। शक्ति जादू। और ये जितना भी बेकार वाला था वो हमने जला दिया है। मूली हाँ है थोड़ी सी। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमने लगाना है आलू। और मैं आपको दिखाती हूँ पिंटू को, वो देखो पेड़ में पिंटू क्या कर रहा है उधर, पता नहीं। मिंटू कहाँ गई? ओ मिंटू कहाँ है? मिंटू उठ गई। आज मिंटू की आंख में गई, देखो पता नहीं क्या हो गया, उसकी मोटी मोटी हो गई है एक आंख बेचारी की। तो ये थक के बैठ चुके हैं अब, और अब बाकी का काम कर रहे हैं हमारे भीमताल वाले। डॉट डॉट। हाँ बीड़ी तंबाकू पिलाओ वो लेबरों को। तो आज ने मेरी मिंटू के ना ये
वाली आँख में भी लग गई है बेचारी के, इधर वाली कहाँ की ये वाली आँख में, तो इसमें ना मैं थोड़ी सी दवाई लगाती हूँ। मम्मी ने बताया कि घी और नमक लगाना है करके। आज इसको बाहर क्या ले गई और आज इसने अपने मार दिए, शैतान मिंटू है। 1:30 बज गया है और हमारी सब्जी लग चुकी है और मम्मी भी ना घर को जाने के लिए रेडी हो गई हैं। मम्मी का बैग पैक हो गया है ये मम्मी की वजह से हमारी सब्जी भी लग गई है। मम्मी को थैंक यू, मम्मी सो मच थैंक यू थैंक यू कवर पर क्या होता है शाबाश, वेलकम वेलकम बोलो वेलकम वेलकम टू वेलकम टू। चलो फिर मम्मी को छोड़ के आते हैं बाहर तक। बाहर तक छोड़ के आते हैं, बिना करके आएंगे आपको। बाय। अरे प्रणाम तो मैंने किया ही नहीं। मम्मी प्रणाम। हाँ ठीक है, हाँ बता देना पहुँचाओगे। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। मम्मी जा चुकी हैं और हमारा खाना भी बन चुका है। अभी हम फटाफट पहले नहाएंगे, उसके बाद हम खाना खाते हैं। शाम के बज गए 5 और सनसेट भी हो गया है, होने को है, मतलब आजकल ठंडे के उससे ना जल्दी जल्दी होने लग गया है। और मैं मिंटू भी आ गई है, जितनी पीछे मैं जा रही हूँ ना उतनी पीछे को मैं मिंटू आते रह रही है। बेचारी की आज ना एक आँख बहुत वो हो गई है। मिंटू आँख खुली, आँख खुली एक बार दिखा। अभी मैंने ना इसकी आँख में सेक करा है और खेत में ना सब्जी लगा के बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है ये, इतना प्यारा सा। और जब इसमें सब्जी लग जाएगी ना तब तो और ही अच्छा दिखेगा, एकदम सुंदर सा। अभी मैं यहाँ पर फिर से बना रही हूँ चाय मिस्टर हस्बैंड और देवर जी के लिए, क्योंकि वो दोनों ना मैच देखने में लगे हुए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, दिन में से बिल्कुल भी नहीं एक बार भी उठे हैं। और ऑर्डर आया अभी मिस्टर हस्बैंड का कि स्नैक्स चाहिए, बल तभी बना रही हूँ उनके लिए चाय। और साथ में यहाँ पर नमकीन और बिस्किट रेडी है, तो इन दोनों के लिए चाय बनकर आ चुकी है। और ये दोनों बिजी हैं क्रिकेट देखने में, दिन में से एक बार भी नहीं उठे हैं खाना खाने के बाद। शाम के बज गए हैं 5:30 और इनकी हरकतें देखो। और यहाँ पर हम वेट करते हुए विराट कोहली की 49th सेंचुरी की, और उसके बाद हो जाएंगी सचिन तेंदुलकर के बराबर। आज बर्थडे भी विराट कोहली का। ये प्लेयर्स हैं जिनने अपने बर्थडे पे सेंचुरी लगाई है, देखते हैं क्या इस लिस्ट में आज विराट कोहली का नाम शामिल हो पाता है। और ये 49 सेंचुरी फॉर विराट कोहली बर्थडे बॉय। और इसके इस पारी के जो हैं गवाह हैं ये लोग, जो विराट की 49 सेंचुरी होते हुए देख रहे हैं। और ये दो भी, पिंटू और मिंटू भी, इनको भी दिखा दो बर्थडे बॉय। भाई पार्टी में बुला लेना आज। ये अब दोनों के सेंचुरीज हैं इक्वल 49th। और ये विराट कोहली का नाम इस लिस्ट में शामिल होते हुए। तो आज के व्लॉग को ना इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी जल्दी ऐसे ही अपने एक नए अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।